हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल निशा नंदी फ्रेटर्निटी। और इस चैनल पे मैं थोड़ी लेट से आ रही हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ ट्रॉमा चल रहा था घर में, बट अभी रेगुलर रहूँगी। एंड साल का लास्ट डे चल रहा है, 5 दिन 6 दिन ही बचा है, सो इसमें मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिलहाल तो मेरा गेटअप देख के लाइक थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि लाइक सेंटास एंड लाइटनिंग मीन्स कि क्रिसमस से रिलेटेड है, राइट गाइस? सो क्रिसमस ट्री का सीज़न, मैं थोड़ी लेट हूँ, मुझे और पहले ये वीडियो डालना चाहिए था, बट यू नो कहाँ रखा है कहाँ रखा है, कर करके दिन निकल रहे थे। सो फाइनली मुझे मिल गया है, एंड इसके लिए मैंने कुछ लाइटनिंग्स वगैरह भी निकाले हैं, कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स निकाला है, कुछ DIY भी है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको आपसे मैं कुछ हैंड्स लूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है अपने रूम को, अपने रूम को किस तरह से मैंने एक क्रिसमस थीम दिया है। सो वो चीज़ें, एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ। फिलहाल तो ये चीज़ें, ये जो होता है ना साल में एक बार आना और उसको कहाँ रखा है ढूंढने में लग जाता है, तो वही हुआ है मेरे साथ। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल निशा नंदी फ्रेटर्निटी, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ओके? लेकिन सो गाइज, मैं यहाँ पहले तो मैं जो जब मेरा काम हो जाता है तो मैं क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से, मीन्स कोई भी चीज़ हो जिसको साल में एक बार जिसकी ज़रूरत हो उसको रखना कैसे है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से रखती हूँ। तो सो आपके सामने फ़िलहाल मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगी। देखो मैं इस तरह से इसको रोल करके रखती हूँ। सो गाइज, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये बॉक्स मिला है जिसमें मैंने सारा मटेरियल रख रखा था। इसमें कुछ मटेरियल हैं, एंड ये मैं रोल ओपन कर रही हूँ। ये बबल्स वाले पेपर है, मुझे बड़ा पसंद है ये पेपर मुझे। एंड ये दो लेयर में मेरा क्रिसमस ट्री है, एक निकल जाता है, इसकी हाइट ज़्यादा है, एंड इसको हमेशा हर साल मैं बहुत अच्छे से रोल करके रखती हूँ ताकि इसकी क्वालिटी, इसकी जो भी वॉल्यूम है ये बनी रहे। एंड देखो इसको, इसमें मेहनत तो है वैसे, मुझे इसको एक एक लेयर अलग करना पड़ता है और इसको थोड़ा फैलाना पड़ता है ताकि इसकी वॉल्यूम दिखे, पेड़ जैसा दिखे, ट्री वाला टेक्सचर आ जाए। तो इसको फैलाने में वैसे मुझे काफ़ी टाइम लग रहे हैं, जल्दी हो जाए तो बस सही है। फिर इसको डेकोरेट भी करना है तो इसका एक एक पैटर्न मुझे अलग करना होता है ताकि बिल्कुल ये फैल जाए। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसकी, कभी कभी तो कोई कोई तो रह भी जाता है। अब तो लगता है हो गया, चलो इस बीच में थक भी गई। थोड़ा आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मेरी स्वेटर में जितने भी सेंटास देख रहे हैं वो लाइटनिंग वाली है, सब जलने वाली है। एंड अब ये मटेरियल मुझे दिख रहे हैं, कुछ स्टार भी हैं, DIY किया है मैंने, ग्लिटर पेपर से किया है, और कुछ और भी मेरे पास मटेरियल दिख रहे हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर स्टोर किए थे, स्टार हैं, सेंटास वगैरह भी होंगे मेरे पास, गिफ्ट रैप भी है मेरे पास, ये सब मेरा DIY है। सेंटास हाँ। तो मैंने खरीदे थे। तो ये सब मुझे सजाना है। हाँ, बेल भी है। I have jingle bell. I have that ball also. So I have each and everything जो कि मुझे सजाने को चाहिए, मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने परचेस किया है, लाइक थ्रेड मैंने परचेस किया है, थोड़ा सा मैंने DIY के लिए ग्लिटर पेपर परचेस किया है, वैसे अदरवाइज में मुझे कोई कुछ भी वैसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी से डेकोरेट करने वाली हूँ। एंड आई हैव सफिशियंट मटेरियल, तो मुझे कोई वैसी रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। मैंने DIY में छोटे छोटे ग्लिटर पेपर के स्टार बनाए हैं जो कि इसमें डेकोरेट करने के काम आ सकता है। एंड तो मैं इसको पीछे रख, मैंने ये परचेस किया है, रिबन परचेस किया है डेकोरेट करने के लिए। एंड आई हैव सम बलून्स ऑल्सो, एंड थोड़ा सा झालर है ग्लिटर टाइप में, झालर वाला टाइप का, तो वो भी है।
मुझे ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, ग्लिटर फैब्रिक है एंड नेट भी है इसमें, तो मुझे अच्छा लगा। मे भी शायद यूज़ में आ जाए, वैसे मुझे नहीं लगता है, बट वी कैन ट्राई। DIY में तो यही सब होता है, लाइक कुछ भी बना लो। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और भी गाइस बहुत सारी चीज़ हैं जो कि इसमें यूज़ होगा, वो सब डेकोरेट करेंगे, जो नहीं यूज़ होगा उसे नहीं करेंगे। सिंपल सोवर गुड लुकिंग बनाना है, लाइटनिंग करना है। आई हैव सीरीज बल्ब, छोटे छोटे लाइट होते हैं जो दिवाली वगैरह में डेकोरेट करने के यूज़ आता है, तो वो कर लेंगे एंड उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो मैं पहले तो चीज़ों को सेपरेट कर लूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इकट्ठे रख दिया था, जो कि मुझे इस बार दिक्कत हो रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है मुझे इसको सेपरेट करने में। एंड सिल्वर झालर भी है, तो इसे भी मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, वैसे उतना यूज़ नहीं आएगा। एंड थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ, ये हिल रहा है, आई डोंट नो, ढीला हो गया है लगता है, लूज सा हो रहा है, हो गया। अब इसको मैं स्टार से ही शुरू करती हूँ, उसमें थ्रेड मैंने बांध रखा है, तो ये काफ़ी इजी पड़ता है मुझे हैंग करने में, जल्दी जल्दी हैंग भी हो जाता है। स्टार को हैंग कर दिया है मैंने वैसे, एंड बॉल्स भी हैं, तो जो एक्चुअली जो स्टार में थ्रेड नहीं है उसमें डबल साइड टेप में यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। पहले तो ये बाल मैं सवार लूँ थोड़ा, तो ऑलमोस्ट मेरे बल्ब बॉल जो हैं और स्टार हैं और जो बेल हैं वो हैंग हो चुके हैं। अब नाउ इट्स टाइम टू हैंग सेंटा, तो सेंटा को मैं थोड़ा हैंग कर लूँ। मेरे पास वैसे उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, 5 या 6 पीस ही हैं, बट इट्स ओके, ये काफ़ी है, डेकोरेशन हो जाएगा मेरा क्रिसमस ट्री का। एंड कुछ और रह गया हो तो सिल्वर झालर भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, सो मैं इसको हैंग कर देती हूँ, एक क्रिएटिव लुक आता है, सोबर सा लगता है। एंड इसके अलावा भी मैंने प्लास्टिक रिबन भी यूज़ किया है, जिसको मैं स्प्रिंग रोल शेप में देकर इसको किया है, ताकि ये गिफ्ट जैसा लुक आए। और छोटे छोटे गिफ्ट्स भी मैंने मैच बॉक्स के बनाए हैं, तो वो भी मैंने इस पर हैंग कर दिया है। तो गाइस आप भी घर पे कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, लाइक आप छोटे छोटे मैच बॉक्स का गिफ्ट बना सकते हो, रिबन्स रख सकते हो, रिबन को स्प्रिंग रोल में लाकर किसी भी चीज़ को डेकोरेट कर सकते हो, लाइटिंग यूज़ कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मेरा क्रिसमस ट्री हो चुका है डेकोरेट, वैसा कुछ नीड नहीं है। सो लुक देती हूँ फाइनल, क्रिसमस ट्री सज चुका है, मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, और ये इसका फाइनल टच होगा, जो कि टॉप में स्टार लगाऊंगी, तो मैं इसको डबल साइड टेप की हेल्प से लगा रही हूँ। ये भी मैंने DIY किया है ग्लिटर पेपर से, आप चाहे तो मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, ये बहुत इजीली मिल जाता है, तो मैंने तो यार घर पे बनाया है। और ये मैं फाइनल लुक देने वाली हूँ, इस तरह से पीछे पेस्ट कर दिया है, एंड ये क्रिसमस ट्री के सबसे टॉप पे रहेगा। टाइम टू डेकोरेट विथ लाइट, एंड मैंने सीरीज बल्ब, मैं एक्चुअली गाइस सीरीज बल्ब यूज़ कर रही हूँ। एक राइस बल्ब भी आता है सीरीज बल्ब के काइंड का होता है, बट उसकी लाइटनिंग मुझे उतनी पसंद नहीं है, सो मैं दिवाली डेकोरेशन का लाइट यूज़ कर रही हूँ। इसको रोल कर दूंगी चारों तरफ, थोड़ा सा रूम को डेकोरेट कर दूंगी, देखते हैं फाइनल लुक कैसा होता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो होने वाली है काफ़ी लंबी, लिटरली ये लंबी हो जाएगी आई नो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग रहा है इसमें। अप्रॉक्स मुझे अभी तक, भले वीडियो छोटी है बट इसमें मुझे अभी तक 1 घंटे लग चुके हैं, और मैं सामान जोड़ रही हूँ अलग से, वो एक्स्ट्रा 1.5 घंटा है, मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो इसमें सीरीज बल्ब डेकोरेट करके एक फाइनल लुक देने की कोशिश करती हूँ, फिर लास्ट में आप बताना कैसा लगा। हाय, तो रूम डेकोरेट हो गया है, क्रिसमस थीम थोड़ा थोड़ा दे दिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगा। और डेफिनेटली गाइस मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, तो देखते हैं। Thank you.
होम मैंने क्रिसमस ट्री सजा लिया है एंड गाइस विश यू अ मैरी क्रिसमस और काफ़ी इन्जॉय करो न्यू ईयर में, नेगेटिविटी हटाओ और सिंपल सा फार्मूला है, कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में, जो जी करता है वो करो बस। सो मैरी क्रिसमस वंस अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय। Ho, 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 ho.